वंदे मातरम महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई से बड़ी खबर के साथ। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, सुहेल खंडवानी के कार्यालय पर छापेमारी की गई है। महीम दरगाह के ट्रस्टी हैं सुहेल खंडवानी, जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। दाऊद इब्राहिम के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी मुंबई के मलाड, गोरेगांव, सांताक्रूज, नागपाड़ा, बोरीवली, मुंब्रा और भिंडी बाजार इलाके में चल रही है। तो दाऊद इब्राहिम के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई से अहम जानकारी है, एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। सुहेल खंडवानी के कार्यालय पर छापा मारा गया है। महीम दरगाह के ट्रस्टी हैं सुहेल खंडवानी। तो दाऊद इब्राहिम के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है एनआईए की तरफ से, और ये जानकारी है कि 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बरामद होता है, क्या अहम दस्तावेज हाथ लगते हैं एनआईए को। तो दाऊद इब्राहिम के जो जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, और ये जानकारी है कि 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है। राजन मिश्रा मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हैं। राजन, क्या और जानकारी पूरी खबर से जुड़ी आपके पास? क्या अभी भी एनआईए की कार्रवाई जारी है? अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल, आज जो है एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। वो मुंबई का नागपाड़ा हो, गोरेगांव हो, बोरीवली हो, सांताक्रूज हो, मुंब्रा हो, भिंडी बाजार हो, ये तमाम जगहों पर जो है आज सुबह से ही एनआईए की छापेमारी हो रही है। और डी कंपनी और उनके जो करीबी हैं उनके खिलाफ यूएफपीए के तहत जो है ये कार्रवाई हो रही है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि यहाँ पर 20 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। राजन, सुहेल खंडवानी के कार्यालय पर छापा मारा गया है एनआईए की तरफ से, आप इसको लेकर क्या जानकारी? कब छापा मारा गया? क्या एनआईए के हाथ कार्यालय से कुछ दस्तावेज लगे हैं, कुछ बरामद हुआ है जो कि संदिग्ध नजर आ रहा हो एनआईए को? बिल्कुल, देखिए एनआईए को ये इनपुट मिला था करीबन 12 बजे जो है उनके वहाँ पर छापेमारी हुई है, और उसके बाद अभी क्या कुछ मिला ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम के जो करीबी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो कि हवाला ऑपरेट करते हैं, ड्रग तस्करी से जुड़े हैं, ऐसे कई लोग जो है दाऊद इब्राहिम के जो करीबी माने जाते हैं उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। और एनआईए जो है उनको काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। और आज जिस तरीके से जितनी रफ्तार में मुंबई के 20 अलग अलग ठीक है 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है, और देखना होगा कि एनआईए को क्या कुछ हाथ लगा है। शुक्रिया राजन अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें बीते कई दिनों से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हनुमान चालीसा मामले में जेल से रिहाई के बाद अब राणा दंपति के खिलाफ बीएमसी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बीएमसी को इस बात का शक है कि राणा दंपति के मुंबई स्थित घर में अवैध निर्माण किया गया है। इस बाबत बीएमसी ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। कुछ दिन पहले बीएमसी के अधिकारी उनके घर की जांच के लिए भी गए थे, हालांकि तब राणा दंपति के घर पर कोई मौजूद नहीं था। आज फिर से बीएमसी की टीम राणा दंपति के घर में हुए अवैध निर्माण कार्य की जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी है। आपको यह भी बता दें कि मुंबई के खार इलाके में राणा दंपति का फ्लैट है, जिसमें बीएमसी ने अवैध निर्माण करवाए जाने का शक जताया है। इस प्रकरण में 4 मई को एमसी के अधिकारी नवनीत राणा के घर गए थे, और घर की जांच पड़ताल के बाद उनको नोटिस दिया गया था। मुंबई महानगर पालिका की ओर से सबके लिए पानी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों गोरेगांव से हुई है। सबके लिए पानी योजना के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य में जल्द ही एक ऐसा कार्ड सिस्टम शुरू किया जाएगा जिसमें एक कार्ड बस हो, ट्रेन हो, यानी सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी ट्रेन, बस, एक कार्ड सभी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी और राज ठाकरे पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हाथ मारने तो वाले तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए हाथ देने वाले लोग कम ही मिलते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री 14 मई को कुछ बड़ा करने का भी संकेत उनकी तरफ से दिया गया है।
हालांकि उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त वैचारिक प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मैं आज काफी दिनों बाद मास्क हटाकर आया हूँ। 14 तारीख को कुछ लोगों के मास्क उतारने वाला हूँ। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव करीब आते ही बीजेपी की तरफ से शिवसेना पर काफी हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ MNS प्रमुख राज ठाकरे भी लगातार अपनी सभाएं कर ठाकरे सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 मई की सभा में जवाब देने के संकेत दिए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोरीवली से विरार जाने वाली रेलवे रूट का ओवरहेड बिजली के तार सुबह 5:50 के करीब टूट गए थे। वायर टूटने से बोरीवली से विरार की तरफ आने जाने वाली फास्ट लोकल सेवा बंद कर की गई थी। इस कारण करीब आधे घंटे से विरार टू बोरीवली और बोरीवली टू विरार की फास्ट लोकल सेवा बंद है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि ओवरहेड वायर टूटने की वजह से फास्ट लोकल सेवा बंद कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया है कि विरार से बोरीवली और बोरीवली से विरार की तरफ आने जाने के लिए फिलहाल स्लो लोकल सेवा चालू है। मुंबई वेस्टर्न रेलवे के DRM की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। दहिसर बोरीवली स्टेशन के बीच OHE खराब होने के कारण अब थ्रू लोकल ट्रेनें 10-15 की देरी से चल रही है, ये जानकारी दी गई है। और लिखा है आगे उन्होंने, इसके बाद एक और ट्वीट में रेलवे द्वारा जानकारी दी गई कि दहिहर और बोरीवली के बीच ओवरहेड तार में तकनीकी समस्या को 7:23 पर ठीक कर दिया गया है। इसी के साथ ही कहा गया है कि लोकल ट्रेन का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि यात्रियों का इस पर यह कहना है कि लोकल ट्रेनें अब भी काफी देर से चल रही हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने तो ये भी कहा है कि लोकल ट्रेनें 1-1.5 घंटे की देरी से चल रही हैं, जबकि रेलवे की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है।